First of all, thanks, Bitsa, Mr. D.D. Agarwal, who contacted me first, Samta Power, Rotary, to invite me to know about the journey of computer shiksha. Computer shiksha ka jo journey tha hamara, wo kuch bada ajeeb sa tha. We were a group of people from IT and management background, jo chahte the ki kuch karein society ke liye. Bahut dinon se baatein kar rahe the, to one day, हुआ कि लेट्स डू नाउ एंड लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट. तो एज वी मोस्ट ऑफ अस कम फ्रॉम कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, तो ये था कि हम एक वील पिक अप समथिंग विच इज नॉट बीइंग डन प्रॉपरली राइट नाउ एंड इट मस्ट बी इन एजुकेशन सेक्टर. सो क्लियर वॉज कि हम एजुकेशन सेक्टर में काम करेंगे. सो हम लोग ने क्या किया, एक MBA स्टूडेंट हायर किया और बोला कि आस पास के गुड़गांव में हम रहते हैं, 40-50 स्कूल्स को कवर करो, ये क्वेश्चनियर है एंड यू कम बैक विद द इंफॉर्मेशन. तो हमने चाहते थे कि वहाँ पे देखें क्या कमियाँ हैं. एंड वॉट वी फाउंड वॉज क्वाइट एक्सपेक्टेड दैट मोस्ट स्कूल्स वर डिलीवरिंग सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन इन हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स. क्वालिटी में भी डिफरेंट बट हो रहा था, टीचर्स थे, पढ़ाई हो रही थी. ऑल ऑफ देम शेयर्ड ओनली वन थिंग दैट दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग रिगार्डिंग कंप्यूटर एजुकेशन. Those days we used the word education, we changed the word later once we started learning. तो हमें क्लियर हो गया कि अगर हमको कुछ रियली वैल्यू एड करना है सोसाइटी में तो हमें कंप्यूटर लिटरेसी में काम करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे काम नहीं हो रहा स्कूलों में. 40-50 स्कूल्स का सर्वे बता रहा है. एंड सो आवर गोल वॉज क्लियर. तो हमने क्या किया कि हमने कहा कि लेट्स स्टार्ट डेवलपिंग ए कोर्स फॉर दिस. तो जब हमने कोर्स डेवलप करने की सोची तो हमने वी लुक्ड एट द ऑल द कोर्सेज इन द वर्ल्ड, माइक्रोसॉफ्ट DLC, वी लुक्ड एट सिस्कोस प्रोग्राम, वी हैड एक्सेस टू ऑल प्रोग्राम्स बीइंग इन IT इंडस्ट्री. हमने फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम्स देखे, स्टेट गवर्नमेंट्स के देखे. वी वर नॉट सेटिस्फाइड. वी सेड इट्स ऑल थियोरेटिकल एंड इट्स नॉट यूजफुल एज फार एज वी आर कंसर्न. सो वी सेड वी विल डेवलप आवर ओन प्रोग्राम. एंड वो प्रोग्राम किस पे बेस्ड होगा? We are not teaching computer education. We are going to do computer literacy. दोनों में difference क्या है? Computer पे I can provide education on Hindi, English, Maths to geography. They can use a computer to learn all that. That's not what we want to do. We want to teach a child how to use a computer to do Excel, Word, PowerPoint, Paint, so that he or she becomes master of computer. Can deploy this knowledge when he or she enters the marketplace for a job. Because aaj ke zamane mein aap kisi bhi job mein jaiye, wo coffee shop ka boy ho ya restaurant ka person ho, usko computer operate karna aana chahiye. So hamari learning kya thi ki agar aapko computer nahi aata hai to koi bhi job aaj available nahi aapke liye. Magar ye sochna ki computer aata hai to uske karan sare jobs available honge, wo bhi sach nahi hai. But one thing was clear, not knowing computer definitely takes you out of the job market as the jobs are progressing. So हमने फिर इस कोर्स पे काम करना शुरू किया और हमने कहा इस कोर्स को हम डिप्लॉय कहाँ करेंगे. तो हमारे मेरे घर के पास एक स्कूल था, काउशेड था, जिसको उस काउशेड के मालिक ने, हमारे एक फ्रेंड हैं, उनको दिया था कि आप गरीब घर के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आप स्लम चिल्ड्रन को. तो हमने कहा ये स्कूल बेस्ट है हमारे टेस्टिंग के लिए. तो हमने May 5, 2012 को 15 लैपटॉप स्टूडेंट्स के लिए लिए, एक प्रोजेक्टर और एक स्क्रीन, और गाड़ी में बैठे और बोला सैटरडे से पढ़ाना शुरू करेंगे इसमें. तो सैटरडे को हम पढ़ाएंगे 4 घंटे. तो 15 लैपटॉप 4 घंटे मींस 15 × 4, 60 चिल्ड्रन को हम पढ़ा पाएंगे. एंड हम बड़े क्लियर थे कि हम सब वर्किंग है तो सिर्फ सैटरडे संडे को पढ़ाएंगे, खुद पढ़ाएंगे. तो कोर्स भी डेवलप कर रहे थे, पढ़ा भी रहे थे. तो हम सैटरडे को जाते थे, सुबह सेटअप करते थे पूरी क्लास को, कंप्यूटर लगाना, प्रोजेक्टर खड़ा करना, स्क्रीन लगाना, बच्चों को बिठाना. तो 15 बच्चे पढ़ेंगे 45 मिनट्स, फिर नेक्स्ट 15 बच्चे आएंगे, फिर नेक्स्ट 15 आएंगे. तो 4 to 5 hours में हमारी क्लास पूरी होती 60 बच्चों की. तो सैटरडे संडे 2 दिन क्लास करते थे. हार्डली महीना बीता था कि इस स्कूल के जो संचालक थे उन्होंने हमको कहा कि हमारे स्कूल में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है. उन्होंने कहा क्या प्रॉब्लम हो रही है? वो कहते हैं कि क्या है कि हमारे जो बाकी बच्चे हैं 200-250, वो कह रहे हैं कि वो क्या स्कूल के बच्चे नहीं हैं, उनको नहीं पढ़ाया जाएगा ये जो एक्साइटमेंट हो रही है सैटरडे संडे को.
तो हमें भी लगा कि हाँ ये तो प्रॉब्लम है कि 60 बच्चों को पढ़ा रहे जो सीनियर मोस्ट हैं, बाकी क्यों नहीं पढ़ा रहे। तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन था, कंप्यूटर शिक्षा में बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि हमारे को प्रॉब्लम आती थी और यूनिवर्स हमें गाइड करता था कि इसका आंसर ये है। तो अब इसका आंसर क्या था, हमने कहा चलो 15 लैपटॉप से 35 लैपटॉप कर दो एक क्लास में और 4 घंटे से 6 घंटे कर दो। अब क्या हुआ, 35 × 6, सो अराउंड 200 बच्चों को हम सैटरडे संडे को पढ़ाना शुरू कर दिया विद इन 1 month ऑफ स्टार्टिंग अवर इनिशिएटिव। एक महीना और बीता, आसपास के स्कूलों में ये फैला कि यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा है और बड़े कंपनीज के लोग आते हैं सैटरडे संडे कुछ करते हैं। आसपास के स्कूलों के लोग देखने आने लग गए। अब जब वो देखने आने लग गए तो उन्होंने, उनको बड़ा अच्छा लगा कि ये बच्चे बैठे हैं कंप्यूटर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कोर्स पूरा प्रैक्टिकल था, देयर वाज नो थ्योरी, हर चीज को प्रैक्टिस करना है, 1 child 1 computer। आपकी स्लाइड नहीं चल रही, स्लाइड मैंने रोकी हुई है। ओके सो अब इन्होंने बोला तो मैं दिखा देता हूँ। ये हमारा पहला स्कूल था और ये मेरी मारुति 800 गाड़ी जो लोड होती थी और अनलोड होती थी, और इस कौशेड जो हमको हैंडओवर किया गया था सैटरडे संडे को यहाँ पढ़ती थी, और ये पहले बच्चे हैं 2012 में। तो ये स्कूल जब आने लगे देखने को तो उन्होंने कहा कि आप हमारे स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा रहे, सिर्फ इनको क्यों पढ़ा रहे हैं, आप हमारे भी यही कोर्स वहाँ कीजिए। तो अब ये तो हुआ कि भाई ज़रूरी तो है ही, सबको चाहिए नॉलेज इन्फॉर्मेशन, अब सिर्फ सैटरडे संडे को हम कर रहे हैं। तो हमें लगा कि शायद टाइम आ गया है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करें और हम ना पढ़ा के हम टीचर्स हायर करें और वो मंडे टू सैटरडे पढ़ाएं, मंडे ट्यूसडे एक स्कूल में पढ़ा लें, अगर वेडनेसडे थर्सडे एक स्कूल में, फ्राइडे सैटरडे को एक स्कूल में, तो 3 school हो गए, 600 बच्चे हो जाएंगे, तो एटलीस्ट अच्छा हो जाएगा, 3 school और 2 school और कवर हो जाएंगे। तो हमने क्या किया कि हमने रिस्पॉन्ड किया इस सिचुएशन को, हमने फिर 2 लोग हायर किए, मंडे टू सैटरडे ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की। अब इसका नाम क्या रखा जाए मैं मालूम नहीं था इस ऑर्गेनाइजेशन का, तो मैं विजिटिंग प्रोफेसर हूँ, मेरे जो कलीग हैं स्वप्नलेख का फाउंडर हैं वो भी विजिटिंग प्रोफेसर हैं वेरियस MBA कॉलेज की, हमारे स्टूडेंट्स आते थे यहाँ MBA के स्टूडेंट्स, हमने स्टूडेंट्स को बोला भी इसका नाम रखो इस NGO का, तो कहते हैं इस NGO का नाम तो बड़ा सिंपल है, क्या कर रहे हो आप, कंप्यूटर शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा नाम है इसका। हमने उस दिन इसका नाम कंप्यूटर शिक्षा रख दिया, वो रजिस्टर भी करवा लिया, ट्रस्ट भी बन गया। अब विदिन 3 months हम लोग 60 बच्चों से शुरू किए थे, कोर्स डेवलप भी हो रहा है साथ साथ, पूरा नहीं हुआ, और हम 600 बच्चों को पढ़ा रहे थे हमारा ऑर्गेनाइजेशन। तो मंडे ट्यूसडे एक स्कूल, वेडनेसडे थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे, हमारे पास विदिन 4 months 60-odd schools की वेटिंग लिस्ट आ गई, और सब हमको बोले कि ये 3 school क्यों, हम क्यों नहीं। तो बड़ा मतलब चैलेंज लग रहा था कि एक्सपैंड कैसे किया जाए, सोचा जैसा हमारा मॉडल है इसी को एक्सपैंड करो, कैसे एक्सपैंड करें, एक गाड़ी और चाहिए होगी, 2 teacher चाहिए होंगे, एक एडमिन पर्सन, ये नूर है जो बच्चा उतार रहा है, एक एडमिन पर्सन चाहिए होगा जो क्लास लगाएगा और जो डिसमेंटल करेगा हर रोज क्लास। तो ये अगर हम एक और ले लें सेटअप और 35 laptop खरीद लें, प्रोजेक्टर खरीद लें, तो हम 600 बच्चे और कर सकते हैं। तो हमने कहा मगर अब हमारा जेब से बहुत खर्चा हो गया, हमें खुद नहीं करना चाहिए, हम कॉर्पोरेट के लोग हैं, कब तक जेब से चलाएंगे, कुछ पैसा लोगों से मांगते हैं। हमें तब तक एक्सपीरियंस नहीं था कि डोनेशन कैसे ली जाती है, कैसे मांगी जाती है, अब तो आजकल हम लोग बड़े प्रोफेशनल बेगर हो गए हैं, तब तो हमें नहीं, हमें शर्म आती थी तब पैसे मांगने में। तो हमने कहा, मैं और स्वप्नलेखा मैम और 3-4 लोग हमारे जो और कोर मेंबर थे, उन्होंने कहा हम एक ये 6 school तभी 3 school ऐड तभी करेंगे अगर कोई 100% पैसे एडवांस में देगा। तो हमने बैठ के बजट बनाया, पता लगा कि अगर कोई हमें 8 lakh rupees दे तो हम नया 35 laptop खरीद सकते हैं, एक गाड़ी में और दे दूंगा अपनी, इन मैन पावर की सैलरी दे सकते हैं 12 महीने, और 3 school और ऐड कर लेंगे, मतलब सेकंड टोटल रेप्लिका सेटअप शुरू कर लेंगे। तो हमें लगे 8 lakh तो कोई देगा नहीं हमको, क्यों देगा। तो विद इन 1 week स्वप्नलेखा जो मुंबई में है, जो हमारे एक प्लगेज कंपनी है उसको चलाती हैं, शी CEO पर को फाउंडर हैं कंप्यूटर शिक्षा की, वो एक पार्टी अटेंड कर रही थी, तो उन्होंने बताया कि हमारे को ना कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ रही है, हमें 8 lakh चाहिए, अगर 8 lakh मिलता है हम 300 से 600 कर देंगे बच्चों को। तो वहाँ पे एक लेडी खड़ी थी, कह रही थी मुझे बताओ क्या करोगे, हमने बताया कि 35 laptop खरीदने हैं, ये करना है। उसने कहा मुझे ना मेरे एक फ्रेंड है, आप उनको मिलो जाके, शायद वो दे दें आपको।
तो हम उन्होंने मेरे को बताया, मैंने कहा देखो आज तक हमने पैसा मांगा नहीं, ना ही मिला, मगर हम कॉर्पोरेट के लोग हैं, कभी सोच कभी चीज़ को हर चीज़ को कहते हैं ट्राई करनी चाहिए, तो आप भी ट्राई करो जाइए। वो मैडम गई वहाँ पे, स्वप्नलेखा मैम, 5 मिनट के लिए उस लेडी ने, मैं नाम नहीं ले रहा उनका, उनसे मिलवाया। उन्होंने बोला क्या कर रहे हो बेटा, उन्होंने बोले कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं इनको, स्लम चिल्ड्रन को क्या चाहिए, 8 लाख रुपया। बोला आप बाहर बैठिए, सीए वो हमारे अकाउंटेंट बैठे हैं, वो चेक दे देंगे आपको। तो वी वर सो शॉक्ड कि कुछ किया नहीं, कुछ हुआ नहीं, और 8 लाख रुपया 1 मिनट में चेक मिल गया। तो हमने कहा यूनिवर्स कह रहा है कि भाई लोग एक्सपैंड करो। तो हमने विद इन 1 मंथ, आई थिंक इट वॉज 6th month ऑफ अवर ऑपरेशन, कि हमने फिर से 35 लैपटॉप खरीदे, प्रोजेक्टर खरीदा, स्क्रीन खरीदा, 2 लोग और हायर किए उनको। आई थिंक राकेश जी का शायद कुछ पावर कट का प्रॉब्लम लग रहा है मुझे, सो टिल द टाइम इज बैक आई विल जस्ट कैरी फॉरवर्ड द स्टोरी। मेरा नाम राकेश जी भी, प्रदीप जी भी बिटशियन ही है और काफी इसे जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि तब तक राकेश जी जुड़े तब तक आप बताएं। तो जो जो ये घटना हुई उसके बारे में बता रहे थे राकेश जी। सो ये एक शायद पहला, हमें आसानी से तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ कायनात की वजह से, कुछ तरीके से, जैसे वो शाहरुख खान की मूवी में होता है कि कायनात आपका साथ देने लग जाती है, तो उसी तरह से कुछ हुआ और हम लोगों को ये एक फर्स्ट अच्छा डोनेशन मिला। और जो हमने, हाँ राकेश जी आ गए हैं वापस, राकेश जी कैरी ऑन। ओके, क्या हुआ कि यह मैं हैदराबाद में हूँ, जहाँ पे हूँ वहाँ लाइट चली गई, तो आई एम बैक अगेन नाउ। ओके, तो जो 1200 बच्चे हो गए, तो अभी आप फिर सोचिए कि हमारे पास जो जो बैकलॉग लिस्ट थी वो अभी भी 50-60 स्कूलों की हुई थी, वो बढ़ रही थी। हमारे पास अराउंड आई थिंक 80-100 स्कूल की लिस्ट बन गई थी जो चाहते थे कि हम वहाँ पे अपना कोर्स दिखाएं। ओके, मेरी स्वप्नलेखा मैम से बात हुई कि अगर हम हर 600 बच्चे के लिए 8 लाख रुपए मांगेंगे तो ये तो बहुत अनप्रोडक्टिव काइंड ऑफ थिंग है और ये बहुत एक्सपेंसिव है। हम लोग कॉर्पोरेट के लोग हैं। ओके, 1 सेकेंड, आई नीड टू शेयर माई स्क्रीन अगेन। ओके, were horrifying figures. Approximately 290 million children in India between 5 to 16 years age out of 334 million do not have access to computers and will never learn how to use because there is nobody planning for it. Now this number was so big that we cannot think of, you know, taking 8 lakhs, adding 600 children, doesn't make sense. We wanted to address this problem. And we also found that if you look at demand side, almost all jobs today and in future require basic computer knowledge. Upar se jitni government schemes aa rahi hain, sabhi online aa rahi hain. That means you are assuming that all people who are poverty stricken, who are below poverty line, have access to computers, which to us was not proper. To humne jo hamara analysis was this, that we have a teacher challenge. India doesn't have computer teachers. Enough numbers. अगर हमें 290 मिलियन चिल्ड्रन को पढ़ाना है, वी नीड 1.45 मिलियन ट्रेन्ड टीचर्स। देन कंप्यूटर हार्डवेयर, फ्रॉम वेयर विल हार्डवेयर कम, हु विल गिव कंप्यूटर्स? वी नीड 2.5 बिलियन डॉलर ऑफ हार्डवेयर एट बाइंग प्राइस ऑफ 7000 रुपीस पर कंप्यूटर, दिस इज द वैल्यू। एंड हु विल मेंटेन दिस हार्डवेयर? यू आर अवेयर गवर्नमेंट स्कूल्स में कितना हार्डवेयर लगा हुआ है, एंड यू आर अवेयर उस हार्डवेयर का क्या हाल है आज। सो अगर इफ यू वॉन्ट टू डू एनीथिंग वर्थवाइल,
देन वी मस्ट फाइंड आंसर्स टू ऑल थ्री. तो हमें लगा है तो बहुत बड़ी इट्स लाइक ए कॉर्पोरेट चैलेंज, तो बिल्कुल वैसे लग रहा था हमको. तो वी स्टार्टेड थिंकिंग दैट वी विल नॉट एक्सपैंड, वी टुक अ डिसीजन, वी विल नॉट एक्सपैंड बियॉन्ड 1200 चिल्ड्रन अंटिल वी फाइंड आंसर्स टू दिस. तो 2014 में हमारे दिमाग में एक सॉल्यूशन आया. पहला सॉल्यूशन किसका था? टीचर प्रॉब्लम. हम लोग बैठे हुए थे कॉफी शॉप में और इस प्रॉब्लम को हम ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे. तो हमारे में से एक ट्रस्टी बोला कि हम टीचर को हटा नहीं सकते पढ़ाई में से. तो हम लोग कैसे हटाएंगे? बोलेंगे हमने कहा देखो अगर सिर्फ ये हिंदी इंग्लिश मैथ्स पढ़ाना है तो शायद आप कोर्स को दे सकते हो कंप्यूटर के थ्रू. कंप्यूटर लिटरेसी जहाँ पढ़ाना है, बताना है कि कमांड ऐसे लिखो वैसे लिखो वर्ड की या एक्सेल की, उसमें कैसे हो सकता? तो उसने कहा ट्राई करने में क्या हर्ज है, लेट्स एक्सपेरिमेंट. तो हमने कहा चलो वी स्पेंड 1 आवर डिस्कसिंग दिस चैलेंज की सॉल्वेबल नॉट सॉल्वेबल. एंड लकीली वी हैड ओनर ऑफ ए वेरी बिग कंपनी देयर हु वॉज ब्रिलियंट इन डिजाइनिंग सॉल्यूशंस ऑन कंप्यूटर. उन्होंने बोला राकेश ये पॉसिबल है, आप पूरा प्रोसेस आप सोचो, कर मैं दूंगा टेक्निकली. तो हमने कहा चलो आज से हम ये सोचते हैं कि हमें एक ऐसा कोर्स वीडियो तैयार करना है जो एक ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट को खत्म कर देगा. तो बोलना तो बहुत आसान था, फिर हमने बैठे इस पे प्रोजेक्ट प्लानिंग किया. तो हमें क्या दिखा कि अगर हमें ये करना है तो हमें अराउंड 15 लोगों की टीम चाहिए जो सॉफ्टवेयर भी जानती हो, हार्डवेयर भी जानती हो, और हमारे कोर्स को वीडियोस में कन्वर्ट करे, और हमारे जो टीचर मेथोडोलॉजी है उसको भी डालें. सो हमने बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया कि हमने जो बेस्ट दो टीचर थे हमारे, उनको हम अपने ऑफिस में ले आए और उनको बोला कि वो सामने दीवार है, समझो बच्चे बैठे हैं, और बोलना शुरू करो जैसे ही क्लास ले रहे हो आप, और दूसरा आदमी जो है वो उसको रिकॉर्ड करेगा पूरा वर्ड बाई वर्ड, और जहाँ पे और बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ पे वो दूसरा आदमी क्वेश्चन पूछेगा और ये आंसर करेगा. ये हमने एक्सपेरिमेंट शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता रिकॉर्ड करते चले गए. तो इस तरह हमारी एक स्क्रिप्ट तैयार हुई. स्क्रिप्ट तैयार होने के बाद हमने इनको बोला कि आप एक काम करो, आप एक PPT बनाओ ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्क्रिप्ट. मैं बड़े शॉर्ट में बता रहा हूँ, जिस काम को मैं 2 साल लगे मैं आपको 5-10 मिनट में शेयर कर रहा हूँ. तो उस स्क्रिप्ट को हमने PPT के साथ जोड़ा. जब PPT बन गई फिर हमने कहा अब क्या करो, आप क्लास को पढ़ाओ जैसे कि पढ़ाते हो इस PPT और इस स्क्रिप्ट को यूज करके. तो वो 2 लोग लग गए, उन्होंने वो पढ़ाया और हमने उसको रिकॉर्ड किया और हमने उस रिकॉर्डिंग को उस PPT के ऊपर एम्बेड किया. और ये हमने कहा था हमारे वीडियो का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इट शुड नेगेट टोटली द रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन टीचर, इट शुड टीच द वे ए ह्यूमन टीचर टीचेस, इट शुड आस्क द क्वेश्चन द वे ए ह्यूमन टीचर आस्क, इट शुड आंसर द वे ए ह्यूमन टीचर आंसर्स इन द क्लास, इट शुड टोटली डू ऑल इंटरएक्टिविटी एज इफ ए ह्यूमन बीइंग इज टीचिंग. So it took us 6 failures and we also learned that we require a lot of money. We needed 70 lakhs rupees to do this whole experiment over 15-18 months. And at that time, as I told you, universe always solved our problems. We were only 20-25 lakh NGO that time. One of my seniors from Bits Pilani, he told Rakesh, kahan fasa hua? Main bola, bahut 70 lakh rupees chahiye. Kata, achha, हमारे कंपनी को प्रेजेंटेशन दो आके. तो वी फ्लू डाउन टू चेन्नई एंड मेट पोलारिस सॉफ्टवेयर एंड मिस्टर भार्गव जो यहाँ बैठे हैं जो हमारे शुरू से सपोर्ट करते हैं, वो भी हमारे साथ चेन्नई गए फ्लाई करके एज वन ऑफ आवर फर्स्ट सपोर्टर्स. एंड हमें चाहिए तो 1.25 करोड़, 2 करोड़ था, मगर हमको 70 लाख पता था कि काफ़ी है हमारे लिए, और 70 लाख ही मिला हमको उस मीटिंग में. 70 लाख अलॉट हो गया हमको. हम लोग वापस आए, लैब को पूरा फ्लैश आउट कर दिया, वीडियो बनना शुरू हुए. 6 बार फेल किया हमने उस वीडियो बनाते बनाते टेस्टिंग में. 7वीं 8वीं बार वी वर श्योर कि वी हैव मेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट वीडियो विच डज नॉट रिक्वायर ए ह्यूमन बीइंग टू टीच, बट यू रिक्वायर ए ह्यूमन बीइंग टू रन दैट वीडियो. दैट ह्यूमन बीइंग्स जॉब विल बी टू स्टार्ट द वीडियो एंड आस्क नो क्वेश्चंस, बिकॉज़ वीडियो विल आस्क द क्वेश्चन, एंड स्टॉप द वीडियो at a particular time
ask the children to answer what video has asked. So this whole process we wrote down in a help manual. We created a help manual. And in 2 years, we were ready with our course videos. First time in the world this had happened. तो हमने कब एक्सपेरिमेंट किया जाए? तो हमने चार स्कूल चुने इन अगस्त 2016, सॉरी अप्रैल 2016, और उन चार स्कूलों को बोला कि अब हम करंट मॉडल से नहीं पढ़ाएंगे, हमारी गाड़ी नहीं आएगी, हमारे टीचर्स नहीं आएंगे, हमारे कंप्यूटर्स नहीं आएंगे. क्या आएगा? हम आपको कंप्यूटर्स देंगे, आपकी लैब सेटअप कर देंगे, स्कूल में सीसीटीवी लगा होगा, आपका टीचर हमारे यहाँ पे आएगा, हम ट्रेन करेंगे, और जो ट्रेन करेंगे उसके बाद क्या होगा, वो पढ़ाएगा, हम सीसीटीवी से मॉनिटर करेंगे टू नो कि भाई वो पढ़ा पा रहा नहीं पढ़ा पा रहा. अप्रैल 2016 फोर स्कूल्स वी स्टार्टेड लाइक दिस. हमें लगा था बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, टीचर फेल कर आएंगे, नहीं कर पाएंगे, कंप्यूटर प्रॉब्लम आएगी, कुछ होगा. हमने को बोला था देखो जो भी प्रॉब्लम आएगी आपने हमको बताना है सीसीटीवी के थ्रू, हम आपको एकदम टेक ओवर करके हेल्प कर देंगे लाइव क्लास में. अप्रैल 2016 में एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ, चार स्कूल एंड 600 बच्चे, आई थिंक 700 किड्स, एंड टिल अगस्त 2016 नॉट ए सिंगल कंप्लेंट केम. सो वी डिक्लेयर्ड अवर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल एंड वी सेड अब नया मॉडल क्या है कि हम पुराने कंप्यूटर्स इकट्ठे करेंगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड से, फंड्स लेंगे, हम स्कूल्स को चूज करेंगे जो सर्व करते हैं अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज को, उन स्कूल्स को अडॉप्ट करेंगे, उनमें से उनमें वहाँ पे एक लैब सेटअप करेंगे, वो उनको गिफ्ट कर देंगे, उनके यहाँ से एक टीचर बुलाएंगे अपने ट्रेनिंग सेंटर में गुड़गांव में, और उस ट्रेनिंग सेंटर में 8 दिन की ट्रेनिंग होगी टू टीच व्हाट, टू टीच व्हेन टू स्टार्ट ए वीडियो, व्हेन टू स्टॉप ए वीडियो. तो ये हमने स्टार्ट किया अगस्त 2016 में प्रोसेस, और वो इतना सक्सेसफुल हुआ. बट उसकी स्टोरी बाद में बताता हूँ. उसके बाद एक और नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें दिखना शुरू हो गई कि हम जब कंप्यूटर लैब सेटअप करेंगे, समझ लीजिए जब टिम्बक्टू में कंप्यूटर लैब सेटअप की, हेलो कंप्यूटर खराब भी होगा, कंप्यूटर खराब को ठीक कैसे करेंगे? ये ट्रेनिंग के लिए टीचर आएगा ना, 8 दिन में 2 दिन की ट्रेनिंग उसकी हार्डवेयर की होगी, वो कैसे ठीक करेगा? तो हमने हार्डवेयर की ट्रेनिंग को अपने कोर्स में एम्बेड कर दिया और बोला कि 80-90% प्रॉब्लम्स ये टीचर स्कूल में खुद सॉल्व करेगा विद अवर हेल्पलाइन. तो कंप्यूटर शिक्षा ने अपनी एक हेल्पलाइन शुरू की, टेलीफोन व्हाट्सएप वीडियो बेस्ड. तो मैं हेल्पलाइन फिर हमने एस्टैब्लिश किया कंप्यूटर शिक्षा में, टेलीफोन हेल्पलाइन 9 AM to 5 PM एंड ऑल्सो व्हाट्सएप वीडियो हेल्पलाइन. तो क्या होता था, कहीं भी कोई कंप्यूटर खराब होगा वो क्या करेगा, वो हमारी हेल्पलाइन को फोन करेगा, हमारा एक्सपर्ट क्या करेगा, व्हाट्सएप वीडियो पे उसको देखेगा कंप्यूटर को, उसको गाइड करेगा टीचर को कैसे ठीक कर. टीचर 90-95% ठीक कर लेगा विद व्हाट्सएप वीडियो, और अगर ठीक ना कर पाए तो क्या करेंगे? सो फिर हमने क्या किया, हमने DTDC से टाई अप किया और बोला कि जब हमारा एक्सपर्ट व्हाट्सएप वीडियो बंद करेगा और बोलेगा कि ये ठीक नहीं हो सकता, तो हम वेट नहीं करेंगे, हम अपने सेंटर से नया कंप्यूटर नया पार्ट शिप कर देंगे DTDC के थ्रू, जो विद इन 3 to 4 days वहाँ पहुँच जाएगा, और वहाँ पहुँचने के बाद DTDC पुराना पार्ट पुराना कंप्यूटर वहाँ से उठाएगा और हमारे सेंटर में ले आएगा गुड़गांव में. इसका मतलब कंप्यूटर शिक्षा के पास रिफर्बिशमेंट सेंटर भी होना चाहिए. सो वी एस्टैब्लिश रिफर्बिशमेंट सेंटर इन गुड़गांव विच टुडे कैन प्रोसेस 600 to 1000 कंप्यूटर्स ए मंथ. तो ये भी सेटअप हो गया, हेल्पलाइन भी सेटअप हो गई, ट्रेनिंग सेंटर भी सेटअप हो गया, एंड वी बिकेम ए फैक्ट्री टू चर्न आउट टीचर्स हु कुड डिलीवर दिस कोर्स ओनली आफ्टर 8 days. एनी ह्यूमन बीइंग हु हैज नेवर सीन ए कंप्यूटर इन लाइफ एंड हुज 12th स्टैंडर्ड पास टू नो फ्यू वर्ड्स कैन बिकम ए वर्ल्ड क्लास ट्रेनर आफ्टर 8 days ट्रेनिंग बिकॉज ही और शी बी यूजिंग आवर वीडियोज टू डिलीवर दैट. तो ये इकोसिस्टम डेवलप शुरू हो गया जिसमें टीचर चैलेंज सॉल्व हुआ, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम सॉल्व हुई, मेंटेनेंस प्रॉब्लम सॉल्व हुई. आज हमारे पास अराउंड 8000 कंप्यूटर्स हमारे 568 लोकेशंस में इंस्टॉल्ड हैं इन 16 स्टेट्स इन इंडिया विद ए 5% डाउन टाइम एंड 7 days गारंटीड रिप्लेसमेंट. और फिर उस अगस्त 2016 में फिर हमारे 1200 से 5000 बच्चे हुए, फिर अगले साल 18000 हुए, फिर 36000 हुए. आज हम 106,245 बच्चों को पढ़ा रहे हैं इन 568 स्कूल्स इन 16 स्टेट्स इन इंडिया एंड वी हैव अराउंड 30 to 40 स्कूल्स इन घाना. तो
ये सब करते करते फिर प्रॉब्लम आ गई, कोविड आया। अब कोविड का आंसर हमें क्लियर नहीं था कि स्कूल अगर चलेंगे नहीं तुम्हारी लैब्स का क्या होगा। फिर से हमारे जो ग्रुप है वो बोला है, बॉस ऐसा हो सकता है क्या कि स्मार्टफोन पे पढ़ाया जाए। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि स्मार्टफोन पे इंग्लिश कोर्स आए तो एक स्टूडेंट पढ़ लेगा क्योंकि इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, मगर जिस बच्चे को प्रैक्टिस करनी है हर स्टेप वो कैसे होगा। तो हमारी टीम जो कि टुडे इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट टीम इन टेक्नोलॉजी, उन्होंने क्या किया कि वी हैव डेवलप्ड अ यूटिलिटी विच वी आर लॉन्चिंग फ्रॉम 1st August। उससे क्या होता है कि जब वो यूटिलिटी हम आपके स्मार्टफोन पे लगा देंगे तो स्मार्टफोन की स्क्रीन विल स्प्लिट इनटू टू ऑटोमेटिकली। हाफ ऑफ द स्क्रीन विल शो अवर कोर्स वीडियोज ऑन यूट्यूब एंड हाफ ऑफ द स्क्रीन विल बिकम अ लैप स्क्रैच पैड वेयर यू विल प्रैक्टिस व्हाट इज बीइंग टॉट ऑन द यूट्यूब। And we are launching this from 1st August. And we are already around 200 children and corporate people of Deloitte are testing this utility right now. And we expect this to... But ek main aur cheez bata dun. Ye sochna ki smartphone solution dene se aapne problem solve kar li, bilkul nahi. Because our own data says ki 78% children in India of this community, 290 million mein, they don't have access to smartphone. For their own courses, forget computer shiksha courses. So we are thinking right now of tying up with companies who are making smartphones. We are talking to big corporate to see, like today we have 8,000 computers installed and we have 3,000 computers lying in our godown right now. Jo ship nahi ho paaye kyunki COVID ke karan. That means we have resources and computers and funds today to add 50,000 children. मगर वो भी कर नहीं पाए बिकॉज वो शिपमेंट नहीं हो रही, स्कूल नहीं खुले, ट्रेनिंग नहीं हो रही। जैसे ही सब खुलेगा तुम्हारे 50,000 बच्चे और ऐड हो जाएंगे नेक्स्ट 6 months में, तो वी विल बी टीचिंग 1.5 lakh चिल्ड्रन इन अवर करंट मॉडल। स्मार्टफोन मॉडल के लिए जो हम लॉन्च करेंगे 1st August को, वी थिंक दैट वी विल बी एबल टू जनरेट ए ह्यूज नंबर ऑफ स्मार्टफोन्स। अब उसके आंसर्स अभी नहीं है, आएंगे। जैसे हमने बताया यूनिवर्स सॉल्व्स अवर प्रॉब्लम, हमें तो बस रास्ता बताया था, हम फॉलो करते हैं। तो हमारा विचार है कि जनवरी 2022 से वी विल बी इम्प्लीमेंटिंग द स्मार्टफोन सॉल्यूशन इन फुल फोर्स एंड वी एक्सपेक्ट टू ऐड 2 to 3 lakh चिल्ड्रन एवरी ईयर। मगर आप कहेंगे कि इससे क्या होगा, क्योंकि है तो 29 करोड़। हमारे पास आज उसका आंसर नहीं है, बट हम लगे हुए हैं, एक ना एक दिन आंसर आएगा। हम नहीं होंगे, कोई और करेगा, कोई नेक्स्ट मैनेजमेंट करेगी, मगर आंसर तो निकालना पड़ेगा। और एक हम 29 करोड़ की बात क्यों करते हैं, हमारे वर्ल्ड में अगर डेटा आप देखेंगे 53 करोड़ चिल्ड्रन डू नॉट हैव एक्सेस टू कंप्यूटर लिटरेसी। तो हम पूरे 53 करोड़ की चिंता करनी चाहिए हमको, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन निकलेंगे। हमारे पास 43 कंट्रीज इन अफ्रीका आर वेटिंग टू टाई अप विद कंप्यूटर शिक्षा टू कॉपी अवर मॉडल एंड डू। उसके प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं कि उनको हमारी इंग्लिश समझ नहीं आती, हिंदी तो ऑब्वियसली नहीं आएगी, मगर हमारा इंग्लिश एक्सेंट वहाँ पर नहीं समझ में आता अफ्रीकन कंट्रीज़ को। तो वो क्या कह रहे हैं हमको कि इसको बस फ्रेंच में कन्वर्ट करो। तो यूनिवर्स बताएगा सॉल्यूशंस खुद और हम करते जाएंगे, एंड आई होप इट वर्क्स। थैंक यू वेरी मच। अब ये भी बताने की कोशिश करें कि आपका ये फंडिंग जो अरेंजमेंट है yes, ये कैसे सक्सेसफुल हुआ और कहां कहां से आप कौन कौन सी एजेंसी से आप एक्रीडेटेड हैं जिसकी वजह से आज आपको बिना किसी रुकावट के फंडिंग होती है। सर मैं आपको बता दूं कि हम शुरू में तो हमें आता नहीं था फंडिंग मांगना, शर्म भी आती थी बड़ी, कॉर्पोरेट के लोग थे। उसके बाद तो अब तो हम बिल्कुल बेशर्म है सर, हर एक से मांगते हैं, मगर एक कुछ रूल्स बड़े क्लियर हैं। हम गवर्नमेंट से नहीं लेते, हमें चाहिए नहीं, हम सिर्फ कॉर्पोरेट से लेते हैं CSR फंड्स, और हमें अच्छे कॉर्पोरेट से चाहिए, वो भी बड़ा क्लियर है। मतलब कॉर्पोरेट हमें चूज ही नहीं करते, हम भी कॉर्पोरेट को चूज करते हैं। ऐसा क्यों हुआ है मैं बता दूं, क्योंकि कंप्यूटर शिक्षा वॉज रेटेड एज द बेस्ट NGO अमंगस्ट ऑल NGOs इन साउथ एशिया इन 2017 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिस्पाइट अस नॉट बी वर्किंग विद गवर्नमेंट। एंड वी ऑल्सो हैव वन अवर प्रोसेस, दिस वीडियो प्रोसेस ऑफ टीचिंग हैज वन द अंतोदया प्राइज। वी हैव बीन शॉर्टलिस्टेड एज द बेस्ट प्रैक्टिस इन इंडिया फॉर सर्विंग चिल्ड्रन। वी कॉल अंतोदया, अंतोदय क्या होता है, लास्ट मैन स्टैंडिंग, टू टेक अवर सर्विसेज टू लास्ट मैन स्टैंडिंग, उनका प्रोजेक्ट है अंतोदया का। तो उसमें वी हैव बीन रेटेड एज द बेस्ट प्रैक्टिस टू कम आउट ऑफ इंडिया। इसके कारण थोड़ी सी ब्रांडिंग हो गया, और जब ब्रांडिंग हो गया तो हमने कहा हम कॉर्पोरेट पर जाएंगे। एंड सिंस हम IT इंडस्ट्री से हैं तो हम पहले IT इंडस्ट्री के पास गए। तो पोलारिस है, वर्चुसा है, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है, ICICI बैंक है,
कुछ नाम है जो वो नहीं चाहते हम लें क्योंकि कुछ उनकी एमएनसीज हैं, देयर टेक है, सो वी आर आवर पार्टनर्स टुडे। नो हमारे पार्टनर्स 15-16 ही हैं सिर्फ, और हम अराउंड 2-3 crore रुपीस कैश जनरेट करते हैं हर साल, और 2,000 से 3,000 कंप्यूटर्स हमें गिफ्ट मिलते हैं एंड ऑफ लाइफ कंप्यूटर्स फ्रॉम कॉर्पोरेट। मगर हमारा टारगेट क्या है कि हमें 100 कॉर्पोरेट साइन करना है। अगर हमें नंबर्स बढ़ाने हैं जिससे हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो 15-16 कॉर्पोरेट जो टाइड अप हैं लाइक बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, लाइक डेलॉयट, लाइक यू नो जेनपैक, ICICI बैंक, इनके अलावा 100 करना है नंबर। अब हम इस पर लगे हुए हैं कि हमें इसको 100 करना है, ताकि अगर 100 किया तो अवर फंडिंग ऑल्सो विल जंप फ्रॉम 3 to multiple लेवल। और हम अब US से भी बहुत सीरियस डोनर्स से बात कर रहे हैं, टाइम लगेगा बट वी विल गेट ब्रेक थ्रूज देयर ऑल्सो, बिकॉज वी आर बिकमिंग नोन ग्लोबली नाउ। I hope sir, I have given little bit view on funding. आपकी जो accreditations लिए हैं आपने उनके बारे में भी बताएं। Transparency accreditations. Sir, वो क्या होता है recognitions, like example? Transparency जैसे audit का आपके यहाँ से जो system है, transparency है वो बहुत। Sir देखिए transparency का बड़ा interesting ये है कि हम क्योंकि BCG, Deloitte वगैरह से काम करते हैं, तो हमारा every 3 months कोई ना कोई हमको audit कर रहा होता है sir, due diligence कर रहा होता है। हमारा डेलॉयट डिड ड्यू डिलिजेंस ऑन अस फॉर अराउंड 14 months। पोलारिस ने तो अपना ऑडिट टीम हमारे ऑफिस के अंदर बिठाया था पूरा हफ्ता, तो हमारा तो चलता ही रहता है सर, हमारा नेवर एंडिंग ऑडिट चलता रहता है, बिकॉज वी टाइंग अप विद दीज नेम्स, ग्लोबल नेम्स जिनका बहुत टफ होता है सर ऑडिट। सो हमारा क्या होता है कि ऑडिट टीम बुलाते हैं, टीम कहते हैं ये सब देख लो पढ़ा है सामने, और हमारा कोई भी चीज़ सर पेपर पे नहीं है, पेपर पे है पर हम वो पेपर वाले, हम सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, हमारे हर प्रोसेस कंप्यूटराइज्ड है, हमारा ईच कंप्यूटर जो इंस्टॉल्ड है 8,000 कंप्यूटर्स फील्ड में, ईच कंप्यूटर हमारा मार्क्ड है कि उसके अंदर क्या है, कब पार्ट रिप्लेस हुआ, कब आया, कब गया, उसकी लाइफ कब एंड होने की एक्सपेक्टेशन है, उसकी रिप्लेसमेंट कहाँ से होगी, ये सब कंप्यूटराइज्ड है। हमारे कोर्सेज कंप्यूटराइज्ड हैं, हमारे CS हेल्पलाइन कंप्यूटराइज्ड है, हमारा सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है सर। इसीलिए हम सिर्फ 19 पीपल employed, we don't take volunteers because our process is so technical, the volunteers cannot help us. So we have 19 employees delivering computer literacy to 1 lakh children today, and we will have same manpower for up to 3 to 5 lakhs children. Uske baad thoda sa add karenge, little bit, you know, not more. Haan, how do you monitor the children whom you give the education? So we have an assessment cell which has 2 people and they are connected to all 568 schools who get WhatsApp video reviewed every month twice. And all children are tested by us. One test happens through video. Our videos are designed to take first test. Then second test is done by us, by our central team for all schools in India. And each paper which gets filled by a child, 10% of those papers like CBSE does are viewed on our WhatsApp video line by our central team. So we have a very thorough processes for maintaining quality, for maintaining transparency, for certifying children, for assessing children. We have teams for every function in the company, in the NGO. We are running it like a corporate company, sir. No different. Rakesh, can I ask you a question? Sure, sir. There are two aspects to it, because as I mentioned earlier, because I'm part of a few NGOs working for the underprivileged children in the state of Rajasthan for quite some time. Even in the official capacity, I worked there. The problem is that I missed a part of your maybe it might be repetition for you. But just to for my sake of information, say how long is the duration by which the person, your child, is able to complete what you want to give him? Sir, our course is 3 years duration, but it is variable because our course is designed from nursery to MCOM. So nursery children normally take 1 to 2 years to finish a part of the course. Then normally 6 to 8 level children also take 1 to 2 years. 10 to 12 children take 1 year. And people take from 1 to 3 years to finish our course. But one challenge we give to everybody, any child who has undergone 1 year of a course of computer shiksha can compete with any child, whatever level they are maybe in any 5-star school, and beat them hollow in computer literacy. We give this open challenge to all schools. Right.
And then you are providing them the you must have mentioned that you're providing recurring charges for net connectivity, net consumption, etc. That is what you have. The lab has been set up by us. Videos are ours, so we don't our schools do not require net. Their videos are loaded on the computers which have been provided to them by us. But if the schools are not running because of pandemic, then what happens? Yes, these days nothing happens. Nothing happens. I explained that we are developing a smartphone solution which will come on 1st August 2021, but there's no other solution right now. How do you decide the selection of the school? Sir, we have a team. Location is decided by donors, sir. Our donors define. I'm in Hyderabad today, and the first week of August, our team is landing here to select schools. Because Virtuosa and Afton Chemicals have defined that we must find schools in Hyderabad for their project. So this is donor dependent. Like in Rajasthan, we are running now 150 schools. And why? Because Bajaj Auto funded that. So donors decide which place, but we decide which schools. Donors don't interfere in which schools. In Rajasthan, where are you working, Kulakeshi? Which areas or which districts? We are working in Sikar. Sikar has 130 schools. Because Bajaj Auto funded that, and we have in Jaipur, we're working with Richa ji, wahan pe hain, yahan pe. And we're working 767 locations in Rajasthan. But Sikar is our main area. So when the schools are closed, it doesn't function. That's what you are saying. Yes, absolutely no. Because how do we give computer education? How do children come to the lab? So right now there's a problem. No, sitting at home with their smartphones, they cannot learn it. They can from 1st August. Okay, so by 1st August, you will be providing smartphones to all children. No. We'll be providing utility. Smartphones, they have to have themselves. We can't provide. If they don't have, they don't learn. It's as simple as that. Right now, it's The problem is 20% have, 80% don't. Sir, we are not solving the problem right now because we don't have a solution. We will do it later when we have tie-up with the smartphone manufacturers in place. You see, I'll tell you that I got an offer for 13,000 smartphones from a US company. And we found that you cannot import them into India because Indian government doesn't allow. So we told everybody that we want to tie up with Samsung and all. So I think 1st August, when we start working on this solution, we'll find a way to find smartphones too. We'll do that. Like we found a solution for computers. We have, as I told you, we have 3,000 computers lying in our warehouse, which have to ship out, you know. So we'll find an answer to smartphones too. Tremendous effort, Rakeshji. I wish you all Godspeed and God success. Sir, अगर कोई और questions पूछना चाहे तो अपने हाथ raise कर दें। इनका email वगैरह बाद में दे देना। अगवान साहब, I'll be in touch with Rakeshji. Not now, but I think आप email और phone number दे दीजिएगा. I'd like to be in touch with him because this is an area of very close to our heart, all of us. sure, sir. Anyone asking any question, please raise your hand, please. और किसी को कोई question? Rakesh ji. Haan ji, sir. Rakesh ji, I am connected as old as you with computer hardware. Haan ji, sir. And one major challenge that is quite evident in rural area is electricity. And Rajendra ji has also brought out certain points wherein not only electricity, it is the usage and the reach of these rural areas is pretty difficult. And even, the schools are not equipped with basic infrastructure. So, so how do you meet this challenge? Because computers don't function without electricity and solar is not at every school. So, don't you think that is a bigger challenge? Today, we have more schools with electricity than schools with no electricity. And our 568 schools are in totally interior areas. Our 250 schools, which are coming up over next 6 months, all are in interior areas. And electricity is generally there. And whenever they don't have electricity, they don't connect class. But since the lab is theirs, they can connect class later when the electricity is there. See, in our earlier model, that could be a problem when computers were going and coming back. In this model, when they have the computers with them. So if they schedule their computer classes on the electricity schedule. And there are a huge number of schools which do have electricity proper. So let's first work on them and not solve one more problem. Rakesh, you have one question, please. Yes, sir. What is the minimum charge required for one school to begin with?
Sir, it costs us between 2.8 lakh to 3.2 lakh to start our course in a school and run it for 12 months. But after we have done all that, what happens is next year, we require only around 10,000 to 15,000 rupees per month to run it forever. All right. Okay, yeah. Got it. Because and, lab is set up already. Okay, now this will help how many students at one time? Typically at 150 to 200, sir. 150 to 200 students? Yes, sir. Okay, so how many computers will be there typically? Sir, it will be variable. We have a ratio of one computer to 15 children, because that's how we divide the timetable. Okay, got there it. 15 laptops are there, and what will happen is each 45 minutes, 15 children will come. So we just increase the number of hours. So typically 15 laptops, right? No, sir, 10 to 15, it varies. Depending on the school population. I got it. Okay, I got it. I'll contact you later separately. Okay. Sure, sir. Raj Modi would like to ask any question. Sir, one input yes, I want to give you. One input can I give you? Yeah. That before COVID started, Rajasthan government contacted us. The education department, what Bhavan it's called, I'm forgetting what the name of the Bhavan is. So we visited that Bhavan and we tied up and Rajasthan government. Shiksha Sankul, maybe. I think. Sankul, yes, sir. So they told us that we have 3,000 to 5,000 schools where labs are already there. So you please implement it there. We told them that our NGO is not that big that we'll implement it. So Boston Consulting Group is the main partner of Rajasthan government for education work. So BCG tied up with us that they will front end, we will provide our technology, our course videos, and they will get it implemented with the help of Rajasthan Education Department in all those 5,000 schools. And before COVID started, we trained 150 schools. Unfortunately, after that, COVID came and we haven't done anything after that. That's the problem. Dr. Raj Modi wanted to ask some question. Yes, sir. Please. Sorry. I interrupted. I'm sorry. Raj Modi? Bhai Saab, this is Neelam. I'm using very nice presentation, Mr. Suri. Very knowledgeable information that you gave us. मेरा एक छोटा सा सवाल ये था कि जो बच्चों को आप ट्रेन कर रहे हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी का कुछ आपको आइडिया है कि कितने लोगों को इस शिक्षा के कारण एम्प्लॉयमेंट मिलने में सुविधा हुई? मैम, हमारे बच्चे जो हैं वो नर्सरी से लेके 12वीं तक है मेनली. जी. ठीक है. और हमारा सर्वे ये कहता है कि हमारे इस कोर्स के कारण एम्प्लॉयबिलिटी नहीं होने वाली, मगर हमारे कोर्स ना होने के कारण कोई भी एम्प्लॉयबल नहीं होगा. एंड स्कूल डोंट मेंटेन ना डेटा कि मेरा बच्चा कहाँ गया, हम भी नहीं करते. वी डोंट हैव वेयरविदॉल टू डू दैट. सुना है बता देता हूँ. हमारे एक स्कूल के बारे में सुना कि 12वीं के बच्चे जो हमारा एक साल का कोर्स किए उनको 18,000 रुपया पर मंथ सैलरी मिली ऑन देयर जब समर हॉलीडेज आए, और उन्होंने 2 महीने काम किया और फिर छोड़ दिया. जो तब हमारा सर्वे चल रहा था तो हमारे सर्वे में निकला, उनको पूछा गया छोड़ा क्यों तुमने नौकरी, कहते हैं सर कंप्यूटर आता है, बीए करेंगे कम से कम और 40-50 हज़ार की नौकरी करेंगे. सो उनका जो एस्पायरेशन लेवल था वो ऊपर चला गया. दिस वी डिडंट नो कैसा होगा. चलिए, थैंक यू सर. I have a question, Rakesh ji. Hi, sir. Yeah, please. Hello. Please go ahead. Please go ahead. So it was really good presentation and I really enjoyed it. Thanks, and it's sir. Very useful. My question is, I heard that you do it only for the government schools, not for the private enterprises who can start their own just the computer classes. Is that true? Sir, opposite. We are working only with private low-budget schools, not with government schools. Not the government school. So let's say we want to start a computer, not a school, but just the computer classes. Would it be helpful? You can start, because if our everything is available online and we can train one of your teacher, you can come to Gurgaon, get trained for 8 days, come back. Only thing is, when it's not a school, we don't give computers. Otherwise, everything else we give. We will give you videos, we'll train your teacher, we will do assessment tests of your children, we will do certification, everything we'll do. Sirf computers nahi de payenge aapko bas. I have one personal question. Yes, sir? The courses you are teaching, even I would like to learn those courses.
it's a great thing. He's a doctor. Let me give an answer to Sir Prince, sir. That there is a college in place called Bal in Karnataka, which is teaching our course to MCOM students. And we asked them why. They said, "Inko ye agar aa gaya na, to naukri mil jayegi aasani se." Haan ji, sir. So can, let's say if I want to learn myself or some of my friends, can we learn it on online? The videos? Yes, online. Everything is available online. Process is there. You will be entering your data. Then it will teach you. It will then tell us ki aapne yahan khatam kar liya hai. Fir hum aapka test lenge. Standard. Online. Is it free for others? Like person like us? Is it? Everybody. Our all services are free for all. Okay. Anybody who can learn at his own pace can do it. Okay. Everyone, sir. Everyone. Rakeshji, thank you very much. Thank you, sir. Sorry, go ahead. You're saying something. Rakeshji, thank you very much. It was really great presentation. We, with my brother and my sisters, we will start at least one or maybe two or three computer courses, schools in our hometown. Sir. Not in the school itself, but separate. Yeah. And we will provide the computers. Yes, we'll take your technology. Yes, sir. It is really great presentation. I appreciate it. Thank you. Chirania sahab, aap kuch puchna chahenge? इनका वेबसाइट क्या है? कंप्यूटर शिक्षा नाम से है ना वेबसाइट? क्या इनका वेबसाइट जो है? computershiksha.org. computershiksha.org. ओके. हां जी. चिरानिया साहब आप चाहेंगे? चिरानिया साहब म्यूट करें. चिरानिया जी आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ नहीं, मैं पूछना कुछ नहीं चाहूंगा. मैंने सुना आपका बहुत अच्छा है और इन्होंने सूर्य साहब ने जो रखा वो प्रैक्टिकल अप्रोच रखी है, बहुत अच्छी प्रैक्टिकल अप्रोच है. और उसको इन्होंने उसको फील्ड के अंदर लाके दिखा दिया, बहुत अच्छा है. कॉन्ग्रेचुलेशन सूर्य साहब. अभी मैं इतना कहूंगा क्योंकि मैं खुद हॉस्पिटल में अभी ये मिसेज का ऑपरेशन था, इसलिए आया हुआ हूँ और वहीं से बोल रहा हूँ मैं, तो भी नहीं बोल पाऊंगा. प्लीज टेक केयर सर. Anyone, any other question? Now I will go for dhanyawad and all that things. Sir, last comments denge kya? Dhanyawad sahab, would you like to make a... Nahin, bas wohi main keh raha tha abhi, jab let us wait for the normal situation to happen and then so that what Rakesh is doing can be taken forward, I think. This is अभी हो क्या गया है, मेरे ख्याल इनकी इम्पोर्टेंस केवल बच्चों के लिए नहीं है. इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, स्टेट गवर्नमेंट की ऑल स्कीम्स रिक्वायर सम फैमिलियरिटी विद डिजिटल सिस्टम. एनीबडी हु इज नॉट एबल टू एक्सेस इट प्रॉपरली इज फ्लीस्ड, इज एक्सप्लॉइटेड बाय मिडिलमैन. एंड इफ यू वॉन्ट टू अवॉइड मिडिलमैन, लाइक यू हैव डन अवे विद टीचर्स, इफ यू हैव टू डू अवे विद मिडिलमैन, the only way is to learn through your course or by any other method. Otherwise, kya ho gaya? Main narega mein commissioner tha. Aapko just want to share one instance, Rakesh ji. We had about 6 million people, workers working all over state. We transferred the money to their account just by the click of the button. But to get that money, it became so difficult for them to go to the bank branch. ATM wala kehega, password batao. Password bata diya. He doesn't understand the importance of password. Wo to kehega sabke signature can be at least verified. Password, how do you verify who entered the password? So these are basic things. And I think you have to do it on a much larger scale, for not only for children, but for the housewives, for the unemployed people, for even older people, for retired people. At least they should be able to not get exploited. Aaj aap kuch bhi karenge, har cheez mein zarur padegi. Government banking application online, old age application online. So I think future belongs to Rakesh Suri and his team. And I think we should all take advantage of this and wish you all the very best. And I'll be in touch with you, Rakeshji, and whatever little I can learn from you and your team, it will be my pleasure to do so. And thanks to you from all of us, Samta Power. I am a special invitee to Samta Power, so I take this pleasure and privilege to thank you on behalf of all of us who have been greatly benefited by what you have said. और मेरे ख्याल में हम इसको भी सबको मिलकर के इसको आगे बढ़ाना है. And let us pray that this COVID situation gets over and children are able to get back to school and then do it. तो आप computer, tablet, आप tablet थोड़ी, आप तो computer बाकायदा PC, laptops देते हैं, क्या देते हैं, मुझे इसमें सुना नहीं बीच में. Desktop, laptop, anything.
तो जिन लोगों के पास घर पे स्मार्टफोन्स हैं अभी जो अफोर्ड कर सकते हैं वो आपके ऑनलाइन चीज से सीख सकते हैं मेरे ख्याल से. आई विल स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड. एज यू आर सेइंग यू डोंट नीड अ टीचर, एज यू आर सेइंग यू डोंट नीड अ टीचर, सो व्हाटएवर लिटिल आई नो आई विल गो अहेड ऑफ दैट. व्हाटएवर लिटिल आई नो आई विल ट्राई टू गो अहेड फ्रॉम देयर. थैंक यू. धन्यवाद राकेश जी आपके द्वारा कंप्यूटर शिक्षा एनजीओ के बारे में जानकारी देने के लिए. ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है कि नई टेक्नोलॉजी को आप गाँव तक पहुँचाने में बहुत ही आदर्श कार्य कर रहे हैं, खास तौर से अब जबकि इंटरनेट का पेनिट्रेशन गाँव में बढ़ रहा है और दिन पर दिन स्मार्टफोन का यूज बढ़ रहा है, कंप्यूटर का यूज बढ़ रहा है. ऐसे समय में कंप्यूटर शिक्षा एनजीओ एक बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है. हम आपका बार बार धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं और धन्यवाद की इस कड़ी में मैं अब श्री कैलाश गुप्ता जी जो बिट्सा के इंटरनेशनल डायरेक्टर हैं, बिट्सा इंटरनेशनल के डायरेक्टर हैं, हमारे जयपुर से हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो बिट्सा की ओर से धन्यवाद का प्रस्ताव पारित करें. कैलाश जी थैंक यू डी डी अग्रवाल साहब फॉर दिस इनिशिएटिव, जिसमें कि आपने सारी संस्थाओं को भी साथ लिया, कंप्यूटर के शिक्षा के जो एनजीओ राकेश सूरी साहब को भी साथ लिया. इससे पहले कि मैं धन्यवाद उस पर प्रक्रिया पे आगे बढ़ूं, कुछ नॉस्टैल्जिक चीजें हैं जिनको कि मैं उद्धरण करना चाहूंगा, चूंकि राकेश सूरी जी भी उसी पीरियड के हैं जिस पीरियड में शायद मैं निकला हूं. ये बिट्स पिलानी से निकले और उसके एक साल बाद ही मैं वहां से निकला था, तो ऑलमोस्ट द पैरेलल बैचेस. और मैं उस टाइम का उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि 1984 में मैं पास आउट हुआ बिट्स पिलानी से इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से, एंड उस टाइम पर कंप्यूटर्स नहीं थे. हमने जो कंप्यूटर सीखते थे वहां पर एक कमरे में एक कंप्यूटर हुआ करता था, ये साइज हुआ करती थी कंप्यूटर की, IBM 1130 बोला करते थे, और उसमें कीबोर्ड का सिस्टम नहीं हुआ करता था, कार्ड पंचिंग का सिस्टम हुआ करता था. उस टाइम पर हमने कंप्यूटर सीखा हुआ. उसके बाद से जो इवोल्यूशन हुआ कंप्यूटर्स में, आप देखिए जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद में, 1989 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जो कि इनके इस मुहिम से डायरेक्टली रिलेट करता है, विच इज कॉल्ड क्लास कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल्स. और उस टाइम पर जो कंप्यूटर दिए गए थे बीबीसी माइक्रो कंप्यूटर्स हुआ करते थे, जिसका एक प्लांट चंडीगढ़ में मोहाली में लगाया गया था और उसको सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स बोला गया था. राजस्थान के उस टाइम पर स्कूल्स में एक एक स्कूल में उन कंप्यूटर्स के जरिए कंप्यूटर एजुकेशन की हमने शुरुआत की थी. उस टाइम से मैं कंप्यूटर शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ. उसके बाद में एक दौर आया जिसमें कि हर स्कूल में कंप्यूटर लगा करके पर स्टूडेंट फीस चार्ज करके इंस्ट्रक्टर देकर के इसी पैटर्न पे जिसमें कि सूरी साहब काम कर रहे हैं उसमें काम हुआ. अभी इवोल्यूशन देखिए, अब कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी जैसे सूरी साहब ने बताई कि कंप्यूटर शिक्षा यानी कि कंप्यूटर कैसे यूज करते हैं उसकी शिक्षा, पर अब जो इवोल्यूशन हो रही है कि कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, मोबाइल बेस्ड एजुकेशन. तो जिस तरीके से मैं कह रहा था कि एक कमरे का कंप्यूटर से इवोल्यूशन हुई है कंप्यूटर शिक्षा की, आज की डेट में वो मुट्ठी में सिमट गया है, यानी कि एक मोबाइल फोन पे आप सारा कंप्यूटर लेकर चल रहे हैं. सो दैट इज द जर्नी फ्रॉम 1983 ऑनवर्ड्स टिल 2021. अनफॉर्चुनेटली पेंडेमिक ने हम सबको घरों में केंद्रित कर दिया है, न केवल स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, बल्कि बिजनेसेस भी. और जब हम बिजनेसेस को घरों में केंद्रित कर दिया है तो अब वर्क फ्रॉम होम यानी कि वापस वही कंप्यूटर को यूज करने वाली बात घरों में आ गई है. और जो सूरी साहब कर रहे हैं वो एग्जैक्टली वही कर रहे हैं. उन्होंने एक चीज कही कि हम एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये करें कि एम्प्लॉयमेंट इनेबलमेंट की बात कर रहे हैं. आज अगर आप कंप्यूटर यूज करना नहीं आता, ना आप घर पे एजुकेशन ले सकते हो, ना आप घर से कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ना कोई चीज ऑनलाइन खरीद सकते हो, तो जब ये सब चीजें करनी पड़ती है तो एक कंप्यूटर नॉलेज की जरूरत पड़ती है. Or that is where I think he has done a big job, wherein he is trying to put a computer literacy in place, how to use a computer, how to use a mobile and tablet. Obviously, aajkal bacche seekh gaye hain ki WhatsApp kaise use karte hain, ya nayi pe koi application aayegi, ya koi PUBG game aur shuru aate hain, fatafat seekh lete hain bacche. Lekin computer ko aaj bhi operate karne mein aap aur humko problem aati hai. Main dekh raha tha ki Rajendra Banav sahab keh rahe the, main kal se hi shuru karta hu seekhna, yani ki at age
we are wanting to learn computers, and yes, that is the I think biggest achievement that this NGO by Rakesh ji is doing it. I am privileged to be a part of this fraternity of Bitsian who is undertaking this project, and I congratulate Suri saab to kindly take it forward. We are all with you. Isme main ek cheez highlight karna chahunga aapko, Suri saab aapke liye hai basically hai ki jaisa aapne kaha ki hum corporate se purane computer lete hain, ek muhim India ke hisab se chalani chahiye jisme ki lakhon computer hai jo ki e-waste ke madhyam se working condition mein available hain. And that is the biggest resource. It will remove two problems. One is there is a e-waste which is lying junk, and secondly it will be used in rural education after refurbishing. Aur aapko pata hai ki chahe mobile ho, chahe computer ho, chahe koi bhi cheez ho, refurbish ke baad mein as good as new ho jata hai. In fact agar aap dekhte ho True Value cars, Maruti ki True Value aapke stations ban gaye hain, वैसे ही कंप्यूटर्स के भी ट्रू वैल्यू स्टेशंस बनने शुरू हो गए हैं. इवन एप्पल हैज स्टार्टेड अ रिफर्बिश्ड ऑनलाइन सेलिंग ऑफ एप्पल मोबाइल्स. तो एक मुहिम इसमें भी जानी चाहिए, एक रिसोर्सफुल आपने चीजें बनाई हैं, उसके साथ साथ एक जाना चाहिए कि हाउ टू यूज द ई वेस्ट एंड ओल्ड कंप्यूटर्स. जस्ट टू आंसर दिस पॉइंट, कंप्यूटर शिक्षा हैज बीन बाइंग रिफर्बिश्ड कंप्यूटर्स ओनली. For last 3 to 4 years, we buy an average 2,000 to 3,000 computers, refurbished computers every year from refurbishment market. We are buying right. that. I think that's a good initiative and it should be taken forward because there is a yeah. lot of as you rightly said. As government ne jo bhi khareedari karti hai, wo 5-5 saal tak unused pade rehte hain. बिल्कुल. अगर उनको usable बना करके और हम खाली एक computer का जो आप ये program बना रहे हैं उससे education को बढ़ावा दें, तो I think it will be a big service to the society. Yes, I agree, sir. I agree. So that is one thing. Now I'll come to the good part of giving thanks to Agarwal sahab kuch keh rahe hain. Nahi aap kariye. So I would first and foremost I would like to thank engineer Rakesh Suri sahab to have spared his valuable time on such an important subject where knowing how to use a computer is now essential and integral part of everybody's life, as you know, especially when we are living in pandemic times. And to include in this, I would thank Sanatya Saab, founder, director of Samta Power, who has come here. Alok Jain Saab, who is Bitsa president, and jinke batchmate Rakesh Suri Saab hain. It's a privilege ki hamare Bitsa ke president bhi Alok Jain Saab aap hi ke batch ke hain. KP Bajaj Saab, who is the president Rotary Midtown, to have associated with Samta Power and Bitsa Jaipur. I think collectively things move very fast, and that was the whole theme of this. And DD Agarwal sahab ko dhanyawad hai ki aap unhone sabko jodne ki is tarike se koshish ki. I would like to after Rakesh Suri sahab unke jo model pe chalne wale hain Richa ji jo ki unko kriyanvit kar rahi hai field mein, aur I was surprised that she is already doing in various aspects, not only computer shiksha, but there are various other aspects where she is trying to contribute. So kudos to Richa ji who has implemented his one of his models of computer shiksha for Kachchi Basti in Jawahar Nagar here in Jaipur. And not to say that Nirmala ji jo ki apne Uma Devi Foundation ka ek chala rahi hai school, to their remarkable work that being done by them, aur usme kafi acha ek social work ke roop mein, school education ke roop mein wahan par kaam kiya ja raha hai. We heard about Rotary. Of course, Mr. Vinod was not there, so Atul ji ne uska briefing kiya tha. So thanks Rotary Midtown for your efforts in giving a new form to education and reforming computer these education schools, reforming them. Nonetheless, I would again also like to thank Bhanawat saab, जो कि उन्होंने काफी एक्टिव इंटरेस्ट इसमें लिया, एंड ही इज ऑलरेडी एसोसिएटेड विद अ कपल ऑफ एनजीओस व्हिच आर अगेन रिलेटेड विद स्कूल एजुकेशन और लाइक दैट. एंड डेफिनेटली जो आपके कंसर्न्स हैं, आपके आइडियाज हैं, सब मिल करके सूरी साहब और उनके सहयोग से हम आगे बढ़ा सकते हैं और बढ़ाएंगे. लास्टली बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू थैंक एंड कम बैक टू डीडी अग्रवाल साहब जिन्होंने इसको एक रूपता में बांधने की कोशिश की और एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में सबको ले जाने की कोशिश की. आई एम फ्रॉम द सेम फील्ड, सो आई कैन डेफिनेटली रिलेट एवरीथिंग. एंड डेफिनेटली जो एक मुद्दा किया कि भाई आपका
इसके साथ में एक और चीज जो आ रही है, कंप्यूटर एजुकेशन कंटेंट की बात आ रही है जो कि आगे का सब्जेक्ट है, उस पर कभी और बात चर्चा की जा सकती है। लेकिन एक प्रो करना चाहता हूँ पॉइंट आपको कि बायजू, इफ यू हैव हर्ड ऑफ बायजू, इज डूइंग एज ग्रोन ओनली विथ ऑनलाइन एजुकेशन थ्रू कंटेंट। तो अभी एक नेक्स्ट चीज मैं आपको थ्रो करना चाह रहा हूँ सूरी साहब, कि आपने तो कंटेंट वीडियो कंप्यूटर सीखने के लिए बनाया, लेकिन कंटेंट फॉर कंटेंट यानी हाउ टू यूज कंप्यूटर फॉर बेस्ट यूजेस ऑफ यू नो एजुकेशन, दैट ऑल्सो शुड बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल रूरल एजुकेशन नाउ, एंड दैट इज द नीड ऑफ द आवर। विद दिस आई विल नाउ गिव बैक यू नो हैंड ओवर टू अग्रवाल सर। थैंक यू। थैंक यू कैलाश जी, बहुत अच्छी बातें आपने, नए आइडियाज दिए हैं, और सूरी साहब जरूर इस बारे में विचार करेंगे कि उनके क्या क्या काम, उनके जो एक मुहिम छेड़ रखी है उसमें क्या काम जरूरी है और क्या वो कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि उनका जो अभी क्षेत्र है वो ही एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, क्योंकि इतने बच्चे गाँव में जो हैं और उनकी एजुकेशन की जो अपने प्रेजेंट सिस्टम है, अगर हम देखते हैं तो मतलब एक तरह से रोना आता है कि किस तरह के बच्चे एक ही क्लासरूम में है, पहली से लेके पांचवी क्लास तक वो ही है, अभी भी एबीसीडी और पैकेज में फंसे हुए हैं। कैसे हम लोग, कैसे कंट्री डेवलप करेगा, कैसे एजुकेशन आगे बढ़ेगी, तो इस पे बहुत अहम विषय है जिसके ऊपर सरकार तो अपनी तरफ से टीचर्स को अच्छी तनख्वाह दे रही है, पर वो टीचर्स कितना पढ़ा पा रहे हैं, कितने ट्रेंड हैं, इन सबको एनजीओ को ही आगे आना पड़ेगा। और मैं तो राधर रोटरी से भी ये कहूंगा कि अब रोटरी को भी अपना मिशन बजाय, हम लोग बहुत सोशल सर्विसेज कर रहे हैं, मैं भी रोटरी का प्रेसिडेंट था 2021-2002 में जयपुर मिड टाउन का, बहुत सोशल वर्क करते थे, ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं, आई कैंप्स करते हैं, पेड़ लगाते हैं, उन लोगों की छात्रवृत्तियां देते हैं, स्कूलों में ड्रेस वगैरह बांटते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि अब हमारा डाइवर्शन होना चाहिए, क्योंकि ये काम तो बहुत सारी सोसाइटीज कर रही है, जैन समाज कर रहा है, मैसी समाज कर रहा है, और हमको कंप्यूटर शिक्षा पे गाँव में इस पे पूरा ध्यान देना चाहिए, ये मेरा अपना विचार है। और मैं अब समता पावर के बिहाफ पे विपिन माथुर साहब हमारे डायरेक्टर हैं, वो दो शब्द कहना चाहेंगे। विपिन माथुर साहब, आप धन्यवाद प्रस्ताव दें, धन्यवाद दें लोगों को आज जो आए समता पावर के। विपिन माथुर साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में, और बहुत बड़ी संस्था है राजस्थान की, और इनका बहुत सहयोग है समता पावर में। हाँ सर, अनम्यूट हो गए क्या? अनम्यूट, जस्ट ए मिनट। हाँ सर, हाँ सर, हाँ नमस्कार सर, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा, सूरी साहब ने बहुत ही अच्छी पूरी इसके बारे में अच्छी नॉलेज वगैरह दी है, और हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सबों को। अग्रवाल साहब ठीक है सर, धन्यवाद। अब मैं लास्ट में हमारे रोटरी क्लब जयपुर मिड टाउन के बिहाफ पे श्री एके शर्मा साहब कुछ कहना चाहेंगे, धन्यवाद के लिए कहना चाहेंगे। एके शर्मा साहब म्यूट नहीं हुए अभी, सर म्यूट करें। सर अभी आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है। हेलो, आ रही है आपकी आवाज आ रही है सर। ऑन बिहाफ ऑफ माय प्रेसिडेंट रोटेरियन कांति बजाज, आई कांग्रेचुलेट बित्सा एंड समता पावर, स्पेशली रोटेरियन डीडी अग्रवाल साहब टू ऑर्गेनाइज such a need of our subject, and Midtown feels privileged to be associated with today's webinar on computer shiksha in rural areas. Though India is a major hub for IT and IT services and exporting worth around $120 billion of worth services every year, the another disruptive changes took place in India is digitalization, which helped the citizens during the pandemic COVID-19. But most of these are urban phenomena. If India is to keep pace with fast changing world, the major rural population should be computer savvy. So today's topic is very relevant in the present circumstances. Rotarian Rakesh Sahab spoke so well with the detailed analysis on computer shiksha in rural areas, which has enlightened us and motivated us. And Midtown will surely contact him for
help us in to spread the computer enabled education. And many more thanks to you, Mr. Suri, for this. As you know, Midtown is a Karmabhoomi of rural area, and we have a big presence in education and health in all the rural areas. And some of our clubs and routines are doing remarkable work, which has changed the socio-economic of area impact of that area, which is visible and quantitative. And such activities as Mr. Didier Vagal Saab suggested, this year RI has a theme of literacy, which has added one of the major plank of services. And this year, the RI director has added Asha Kiran. The Asha Kiran is again a literary mission of India and South Asia, where the have-nots and the dropouts like khadi wale hain ya aur jo bilkul gaon mein village mein aise log hain orphans hain unke liye ek large mission chalu kiya hai is saal Asha Kiran. So computer science ke liye hamara club bahut zyada kaam kar raha hai aur aage bhi karenge. और सूरी साहब ने जो हमें आज प्रेरणा दी है उसमें हम इनके साथ जरूर जुड़ेंगे और उनको बहुत बहुत धन्यवाद. सो आई अगेन थैंक ऑन बिहाफ माई प्रेसिडेंट रोटरी कांति बजाज एंड ऑल मेंबर्स एंड बिटसा एंड मिस्टर राकेश सूरी साहब एंड अदर स्पीकर्स स्पेशली डीडी अग्रवाल साहब. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट. धन्यवाद केशव साहब. मिस्टर राजेश वैश बोलना चाहेंगे. राजेश वैश साहब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चीफ जनरल मैनेजर पिलानी के हैं, अपने बिट्स पिलानी के, और कंप्यूटर्स का ही काम किया है जिंदगी भर इन्होंने. और इनकी मैडम ने भी काफी पूरे दूरदर्शन के डिप्टी डायरेक्टर जनरल रही हैं और जयपुर बेस्ड हैं. राजेश राजेश हाँ जी सब अच्छा रहा प्रोग्राम और कंप्यूटर शिक्षा का बहुत स्कोप है इंडिया में. जो हमारी स्थिति है स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में और इवन प्राइवेट स्कूलों में, तो बहुत ज़रूरी है कि कंप्यूटर शिक्षा सही तरीके से हो और बच्चों को कंप्यूटर्स में शुरू से ही छोटी एज से ही ट्रेनिंग दी जाए. तो अच्छा रहा आपका प्रोग्राम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरीके से सूरी साहब ने बताया कि वो क्या कर रहे हैं और कैसे आगे काम किया जा सकता है. मेरा एक सजेशन था कि स्मार्टफोन्स की जगह बच्चों को टैबलेट्स दिए जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. थोड़ा बड़ा स्क्रीन होता है तो बच्चे अच्छी तरह उसको यूज़ कर सकते हैं. धन्यवाद. धन्यवाद राजेश जी. मैं आज के इसको कार्यक्रम का समापन घोषित करूँ उसके पहले राकेश जी की जो पूरी टीम है, हमारे प्रदीप जी हैं, हमारे वर्मा साहब हैं और भी जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं, मैं उनका भी इस पूरे जो मुहिम चलाई है राकेश जी ने उसको धन्यवाद देना चाहूंगा. क्योंकि सूरी साहब अकेले कुछ नहीं कर सकते थे अगर इनकी ये पूरी टीम इनका सहयोग नहीं करती तो. मेरे को पता है कि कार्य टीम से ही होता है और हमारे सबके जुड़ने से हमको उम्मीद है कि ये कार्य में हम कुछ ना कुछ सहायता कर पाएंगे. तो राकेश जी की पूरी टीम को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद. उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की है और जैसा उनका आइडिया है और हमारा उनसे निवेदन है कि कम से कम आप टारगेट रखिए 1 करोड़ बच्चे को पढ़ाई शिक्षा देने का और जरूर आप इसमें सक्सेसफुल होंगे. हमारे प्रधानमंत्री जी के जैसे टारगेट्स हैं वैसे ही आप भी अपना टारगेट हायर रखिए और जितना अचीवमेंट होता है बहुत अच्छी बात है. आपको कोई फंड्स की कमी नहीं आएगी, कोई किसी काम की कमी नहीं आएगी. भगवान आपको इस काम में आगे मदद करे. और इसी के साथ मैं आज का एक कार्यक्रम समाप्त करने के लिए आप सबको इजाजत चाहूंगा. बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी और उसकी टीम को एक बार फिर से धन्यवाद. आप सबको भी जुड़ने के लिए धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद डीडी साहब को. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you very much. Thank you. Thank you, everybody. Thanks a lot. Thank you.